Hey students, in the last class we have studied about the apomixis and polyembryony. In this class we will discuss the origin of polyembryony. I am drawing the same diagram which we made in the previous video lecture. This is the case of adventive embryony. More than one embryo in the same embryo sac. This embryo biparental, that is diploid. और ये जो embryo आपने बनाया था ये न्यूसिलस का सेल माइटोटिकली डिवाइड करके अंदर इन्वेजिनेट कर गया था और ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किया था. हमने सिप्टस का एग्जांपल लिया था और ये मैटरनल था और ये डिप्लॉयड था. ये हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे. अब है कि मोर देन वन एम्ब्रियो इन द सेम एम्ब्रियो सेट केस है, दैट इज द दिस इज द केस ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी. और इसको हम एडवेंटिव एम्ब्रियोनी कहते हैं. और एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ था वो न्यूसिलस का सेल माइटोटिकली डिवाइड करके अंदर इन्वेजिनेट कर दिया और वही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किया. तो दैट एम्ब्रियो इज द मैटरनल एम्ब्रियो डिप्लॉयड. नेक्स्ट ऑरिजिन ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी. तो पॉलीएम्ब्रियोनी का ऑरिजिन कैसे हुआ? तो फर्स्ट फ्रॉम द सेल्स ऑफ न्यूसिलस और इंट्यूगमेंट, जो ये केस है तुम्हारा सिट्रस इन द केस ऑफ एनी मैग्निफेरा इंडिका मैंगो. दिस इज द केस ऑफ एडवेंटिव एम्ब्रियो. दिस इज द एडवेंटिव एम्ब्रियो. सेकेंड जो पॉलीएम्ब्रियोनी का जो ऑरिजिन है वो है मल्टीपल एम्ब्रियो सैक इन द ओव्यूल. आपके ओव्यूल में मल्टीपल एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो जाए. यदि मोर देन वन मेगास्पोर मदर सेल डिफरेंशिएट कर जाए, एक से ज्यादा मेगास्पोर मदर सेल डिफरेंशिएट कर जाए, इन जनरल न्यूसिलस में एक ही सेल डिफरेंशिएट होता है वो मेगास्पोर मदर सेल में. यदि न्यूसिलस का और कोई सेल मेगास्पोर मदर सेल में डिफरेंशिएट हो जाए तो भी मोर देन वन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा. तो सेकेंड ऑरिजिन में द मल्टीपल एम्ब्रियो सैक इन द ओव्यूल, एडिशनल एम्ब्रियो सैक, दिस अराइजेस बाय द डिफरेंशिएशन ऑफ मोर देन वन मेगास्पोर मदर सेल. एक ज्यादा मेगास्पोर मदर सेल डिफरेंशिएट कर जाएगा तो ये मल्टीपल एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो जाएगा. थर्ड है द एंट्री ऑफ मोर देन वन पॉलन ट्यूब. यदि ये एम्ब्रियो सैक है, ये एंटीपोडल सेल है, सिनर्जिड्स है, एक सेल है, दीज आर द सिनर्जिड्स, पोलर न्यूक्लियाई है. एंट्री ऑफ मोर देन वन पॉलन ट्यूब, अगर एक से ज्यादा पॉलन ट्यूब इंटर कर जाए और इनटू द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो सैक में इंटर कर गया, वन और बोथ द सिनर्जिस में गेट फर्टिलाइज्ड. ये इसको भी फर्टिलाइज कर दे, इसको भी फर्टिलाइज कर दे, तो ये भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेगा या ये भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेगा. एक तो नॉर्मल डबल फर्टिलाइजेशन का केस होगा ही, इसके अलावा एक्स्ट्रा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा. तो दिस इज द थर्ड केस ऑफ द ऑरिजिन ऑफ पॉलीएम्ब्रियो. फोर्थ वन इज द बाय स्प्लिटिंग ऑफ सिंगल एम्ब्रियो. एक सिंगल एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन हो रहा है वही स्प्लिट करके दो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर दे. तो दिस इज द केस ऑफ ऑरिजिन ऑफ पॉली एम्ब्रियोनी. जैसा कि आप जानते हैं कि पॉली एम्ब्रियोनी वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय लीवेनहॉक इन सिट्रस सीड. नाउ टुडे विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आल्सो.
और फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए डिप्लॉयड मेल प्लांट, मेल इज द डिप्लॉयड, इट क्रॉस्ड विथ ए टेट्राप्लॉयड फीमेल प्लांट, फीमेल प्लांट इज द टेट्राप्लॉयड, फॉर एन मेल इज द डिप्लॉयड. द एंडोस्पर्म ऑफ द हाइब्रिड सीड विल बी, अगर इस दोनों का क्रॉस कराएंगे तो एंडोस्पर्म का प्लॉयडी लेवल क्या होगा. तो आप पढ़े हो कि आपका जो प्लांट था, हम लोग जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है वो आपका डिप्लॉयड था. आपने जो भी गैमेटोजेनेसिस पढ़ा है, स्पोरोजेनेसिस और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या मेगा स्पोरोजेनेसिस, सब डिप्लॉयड में पढ़े हैं. तो अब ये आपका फीमेल गैमेटोफाइट था, क्योंकि प्लांट हमारा डिप्लॉयड था और ये जितने भी सेल्स थे, ये एक सेल, ये पोलर न्यूक्लियस, दे ऑल आर हैप्लॉइड. और जब मेल गैमेट पॉलन ट्यूब के थ्रू आया तो ये भी हैप्लॉइड थे. तो उस समय आपका एंडोस्पर्म का जो फॉर्मेशन हुआ था कि ये दोनों एंड, दो पोलर न्यूक्लियाई ये फ्यूज करके, और ये फिर इस एक मेल गैमेट से इसका फ्यूजन हुआ, तो ये 3N एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन किया था. और एक मेल गैमेट फर्टिलाइज किया था इस एक सेल को और ये जायगोट बनाया था, जायगोट डेवलप हुआ था एम्ब्रियो में. ये आपने पढ़ा है. अब आपका प्लांट डिप्लॉयड है, फीमेल क्या है, टेट्राप्लॉयड है, मेल डिप्लॉयड, फीमेल टेट्राप्लॉयड है. तो अगर फीमेल टेट्राप्लॉयड है, अगर ये मियोसिस करेगा तो ये जो एम्ब्रियो सैक बनाएगा ये मियोसिस करेगा, तो मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा. तो इसका जितना भी सेल होगा जो एम्ब्रियो सैक में, ये एक सेल है, ये सेल, ये डिप्लॉयड होगा, क्योंकि प्लांट क्या है, टेट्राप्लॉयड फीमेल प्लांट है, इसलिए मियोसिस के द्वारा ही गैमेट बनेगा, तो ये 2N हो जाएगा. तुम्हारा ये जो पोलर न्यूक्लियस है, पोलर न्यूक्लियस, ये डिप्लॉयड रहेगा, यहां सभी सेल डिप्लॉयड होगा, लेकिन मेल क्या है, डिप्लॉयड है. तो इससे जो मेल गैमेट बनेगा मियोसिस के द्वारा, ये तो हैप्लॉयड ही मेल गैमेट होगा. अब ये एंडोस्पर्म का जब फॉर्मेशन होगा तो ये दो पोलर न्यूक्लियस फ्यूज करेगा तो ये 4N होगा, फिर ये मेल गैमेट इसको फर्टिलाइज करेगा तो ये 5N होगा. तो क्वेश्चन में आपका पूछ रहा है कि एंडोस्पर्म ऑफ द हाइब्रिड सेल विल बी, हाइब्रिड सेल का एंडोस्पर्म का प्लॉयडी लेवल क्या होगा, तो ये होगा 5N, दैट इज पेंटाप्लॉयड. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्लियर. Our second question is, how many reduction division required to produce the 400 seeds of angiosperm? You have to produce 400 seeds. How many meiotic division are required? इस question को solve करने के लिए आपको 400 seeds चाहिए. You need 400 seeds. इसके लिए 400 मेल गैमेट, दैट इज माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन करना पड़ेगा, प्लस 400 आपको चाहिए मेगा स्पोर्स. एंड यू हैव ऑलरेडी स्टडी कि एक मियोसिस से अगर ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है और इसमें मियोसिस होगा तो ये 4 माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगे. एक मियोटिक डिवीजन से 4 माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है. आपको चाहिए कितना, 400. तो नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन जो आपको रिक्वायर्ड है, तो एक मियोटिक डिवीजन से 4 माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ है,
तो ये हो जाएगा 100। तो अगर 100 मियोटिक डिवीजन होगा तो 400 माइक्रोस्पोर्स आपको मिल जाएगा। अब 400 मेगास्पोर्स के लिए नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड कितना होगा, तो वो अगर आप मेगास्पोर मदर सेल है, ये मेगास्पोर मदर सेल है, अब इसमें अगर मियोसिस करते हैं तो आप पढ़े हैं कि 4 मेगास्पोर्स बनता है, 3 डिजेनरेट कर जाता है, एक ही सरवाइव करता है जो एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करेगा फीमेल गैमेटोफाइट क्रोमोसोम्स का। अब ये इसका मतलब हुआ कि एक मियोसिस से एक ही मेगास्पोर आपको मिलेगा। आपको चाहिए कितना, 400 मेगास्पोर्स। तो नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन इज इक्वल टू कितना हो जाती है, 400। तो 400 मेगास्पोर्स के लिए आपको मियोसिस 400 मियोटिक डिवीजन की रिक्वायरमेंट होगी। तो टोटल मियोटिक डिवीजन कितना हो गया, तो 400 प्लस 100 इज इक्वल टू 500। तो 500 इज द आंसर। द 500 मियोटिक डिवीजंस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द 400 सीड्स ऑफ द एंजियोस्पर्म। आप इसको एक रूल के फॉर्म, एक रूल भी बना सकते हैं, एक रूल के फॉर्म में इसको आप लिख सकते हैं कि यदि आपको सपोज यू हैव टू प्रोड्यूस एन मेगास्पोर्स, आपको एन मेगास्पोर्स प्रोड्यूस करना है, एन कोई भी नंबर है, 100 हो, 200 हो, 250 हो, या एन मेगास्पोर्स है, तो नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड इज इक्वल टू एन। तो जितना आपको मेगा स्पोर्स बनाना है उतना ही मियोटिक डिवीजन करना होगा। दिस वन इज द फर्स्ट केस। सेकेंड में आपको एन माइक्रोस्पोर्स बनाना है, एन नंबर ऑफ माइक्रोस्पोर्स, 100, 200, जो भी नंबर हो। तो नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड इज इक्वल टू एन बाई 4। सपोज इन आवर क्वेश्चन 400, हमें 400 माइक्रोस्पोर्स चाहिए, तो 400 एन का वैल्यू 400 हुआ, 400 माइक्रोस्पोर्स चाहिए, तो 400 बाई 4 इज इक्वल टू 100। तो 100 माइक्रोस्पोर्स, 100 मियोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द 400 माइक्रोस्पोर्स। नेक्स्ट थर्ड इज, आपको एन सीड्स का फॉर्मेशन करना है, एन नंबर ऑफ सीड्स, 400 सीड्स, 500 सीड्स, 100 सीड्स। तो नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड इज इक्वल टू एन प्लस एन बाई 4। दोनों को आप मिला दिए, ये हो जाएगा नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन नंबर ऑफ सीड्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द लीफ टिप सेल्स कंटेन द 14 क्रोमोसोम्स, पैसम्स अ टाइप एंजियोस्पर्मिक प्लांट डिप्लॉयड है, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल बी प्रेजेंट इन एंडोस्पर्म में, कितना क्रोमोसोम होगा, रूट सेल में कितना क्रोमोसोम होगा, क्योंकि ये 14 क्रोमोसोम्स है लीफ में। तो एज यू नो ऑल द सेल्स, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, सेपल, पेटल, दे ऑल आर डिप्लॉइड्स। प्लांट आपका एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, पाइसम सटाइलम है। तो यहाँ पर 2n इज इक्वल टू ये 14 क्रोमोसोम्स है, क्योंकि सेल किसका है, लीफ का, लीफ का सेल कैसा होता है, डिप्लॉइड। 2n इज इक्वल टू 14 ये दिया हुआ। कुछ रहा एंडोस्पर्म में कितना होगा, तो एंडोस्पर्म n इज इक्वल टू 7। एंडोस्पर्म डिप्लॉइड, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एंडोस्पर्म इज, एंडोस्पर्म इज डिप्लॉइड, एन इज इक्वल टू हैप्लॉइड 7, इट मींस 21 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन द एंडोस्पर्म। नेक्स्ट, हाउ मेनी क्रोमोसोम विल बी प्रेजेंट इन रूट सेल, तो रूट सेल इज आल्सो डिप्लॉइड, तो रूट सेल कंटेन 14 क्रोमोसोम्स, एंडोस्पर्म कंटेन 21 क्रोमोसोम्स। इस तरह से
आप और क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करें और अपने एनसीईआरटी को आप अपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ें. इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल बैक विथ अ न्यू टॉपिक जेनेटिक्स.